सब्जी ऐसी बनाओ जो सबके मन को भाए। तो आज मैं कुछ ऐसा ही पिये बनाई हूँ, आलू और कटहल की रस भरी मसालेदार लजीज सब्जी। तो इसकी मेकिंग देखते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आप मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं इसकी मेकिंग क्या है। सबसे पहले हम लोग आलू, कटहल और प्याज को अच्छी तरीके से धो के उन्हें बॉईल कर लेंगे, ठीक है? फिर जब बॉईल हो जाएगा तो हम लोग आलू को अच्छे से छील लेंगे। मैं आज सब्जी बहुत आराम से बना रही हूँ इसीलिए, क्योंकि ये एक ऐसी सब्जी है कि मुझे अब टेंशन नहीं है कि इसके बाद मुझे दूसरी कोई सब्जी बनानी भी है, क्योंकि ये सबका फेवरेट है, सबको ये खा लेगा। अब किसी दिन होता ना कि मैंने भिंडी बनाया तो किसी को तोरई पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है, उस दिन दिमाग में झिकझिक रखता है कि एक बनाओ, दूसरी बनाओ, तीसरी बनाओ। आज कोई झिकझिक नहीं है, बस एक सब्जी बनेगी जो सबको पसंद है। तो फिर इसीलिए मैं आराम से ही बना रही थी कि एक ही सब्जी बननी है, रोटी चावल जो होगा वो बन जाएगा। तो बस मैं आलू छीलने के लिए बैठ गई लेके। फिर जो कटहल है उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सब्जी वाला तो अपने आप ही काट के उसको दे देता है, और प्याज को तो छीलना ही पड़ता है। प्याज को तो जब उबाल देते हैं तो हम लोग को सब्जी बनाने में भी इजी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि सब्जी जब बनाते हैं तो प्याज को गलने में ही बहुत समय लग जाता है ना। तो इसीलिए आप कभी भी अगर आलू कटहल की सब्जी बनाई तो उसमें आप ये मतलब ज़रूर ध्यान रखिए कि जो ये उसका प्रोसेसिंग टाइम होता है उसको रिड्यूस करना है। तो प्याज को आप उबाल दीजिए तो उससे उसका जो गलने वाला ड्यूरेशन रहता है बहुत कम हो जाता है। तो फिर आलू को काटने के बाद ये मैंने इसे लंबे लंबे स्लाइस में ही काटा है इसीलिए, क्योंकि इसमें इसका एक प्रीमियर ये लुक आता है। छोटे छोटे आलू में क्या होता है कि वो जो हम लोग ग्रेवी बनाते हैं उसमें जल्दी जल्दी घुलने लगता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ को देख के आप ये आलू का जो स्लाइसेस थोड़ा बड़ा रखें कि इसका लुक बहुत प्रीमियम और उभर के आए। तो आलू कटहल एक ऐसी सब्जी है जो जो वेजिटेरियन के लिए नॉनवेज का काम करती है, और जो नॉनवेज वाले लोग रहते हैं उनके लिए सुपर माउथ चेंजर का काम करती है। अब देखिए ये जो मेरा कटहल है ये भी अच्छे से उबल चुका है, तो मैं कटहल को भी सेपरेट कर लूँगी कि जो प्याज है वो मेरा अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो कोई भी सब्जी आप बनाए तो आप उसमें थोड़ा बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते तो उससे क्या होता है आपका काम आसान होता है। टिप्स एंड ट्रिक्स से ये नहीं होता है कि हाँ मतलब ये वो सब्जी अच्छा बनेगा, सब्जी तो अच्छा बनेगा ही, लेकिन उसके पहले एक ये भी है कि आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं इसीलिए कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें ढूंढते रहती हूँ कि जो मेरे लिए भी अच्छा हो, आप लोगों के लिए भी अच्छा हो। तो अब हम लोग का जो सब्जी है वो कटाई छटाई बुनाई सब हो चुका है उसमें। अब उसके आते हैं प्रोसेसिंग पे। तो सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल जब गर्म हो जाएगा इसमें हल्का सा हल्दी डाल देंगे क्योंकि हम लोग को फ्राई करना है आलू। तो मैंने सोचा था कि आलू को अगर ऐसे ही हम लोग जब फ्राई करते हैं तो आलू चिपकने लगता है, लेकिन जब हल्दी डाल के फ्राई करते हैं तो आलू नहीं चिपकता है कढ़ाई में। आप ये चीज़ करके देखिएगा, और मैं इस चीज़ का कोई रिटर्न नहीं दूंगी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि फिर क्या होगा कि लोग बाग तो बस मेरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ के निकल जाते हैं और फिर मेरे वीडियोस को नहीं देखते हैं। तो उनको देखने के लिए यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा तभी उनको ये बात पता चलेगा। आप इसमें नमक बिल्कुल नहीं डालें क्योंकि नमक डालने से ही जो आलू है वो कढ़ाई में चिपकने लगता है। आप ये चीज़ ये देखिएगा, मैंने इसमें ये नमक इसीलिए ये ऐड कर ऐसे आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। मैंने इसमें इसीलिए ऐड कर दिया है क्योंकि मुझे फिर बाद में क्या होता है कि आलू में एक ये होता है ना कि ये मतलब रसापन वो नहीं आ पाता है। लेकिन अगर आप चाहते कि आपका जो आलू है वो कढ़ाई में नहीं चिपके तो आपको आप उसमें आप आलू को सिर्फ हल्दी में ही भूने तो आपका बिल्कुल नहीं चिपकेगा। आप देख सकते हैं मेरा आलू बिल्कुल नहीं चिपका क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही हल्दी दे दिया था, लेकिन हल्का फुल्का स्टिकी होगा, लेकिन वो भी हल्का फुल्का आप नहीं चाहते तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी में भुनना है। अब ये देखिए उसके बाद मैंने थोड़ा सा और तेल डाल दिया। अब इसमें हम लोग कटहल को फ्राई कर देंगे अच्छे से, और तब तक करेंगे जब तक ये भी लाइट ब्राउन ना हो जाए। आलू और कटहल बनाने का एक अलग ही प्रेम है, मैं तो यही बोलूँगा प्रेम है, क्योंकि ये सब्जी मतलब एक होता ना एक प्रीमियम स्वाद देता है। मतलब एक होता ना कि कोई फेस्टिवल हो या कोई गेस्ट हो या फिर
कोई भी ऐसा चीज़ हो तो उसमें हम लोग प्रिफर करते कि सब्ज़ी को बनाना चाहिए। ऐसे कुछ सब्जी ऐसा होता कि जो प्रिफर नहीं करते, जैसे नेनुआ, भिंडी, तरोई, ये सब कद्दू, तो ये सब हो ऐसा सब्जी है कि जो हम लोग पार्टी फंक्शन या फिर कुछ भी ऐसा हो तो उसे प्रिफर नहीं करते कि वो बने, लेकिन इसमें प्रिफर ज़रूर करते हैं। अब उसके बाद अब हम लोग का बारी आ गया है प्याज भुनने का, तो इसमें हम लोग जितना भी खड़े मसाले जो आपको पसंद है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, या अगर आप टेस्ट नहीं डिसाइड कर पा रहे तो आप सबसे अच्छा ये दिए दालचीनी ये डाल दे, एक तेज पत्ता डाल दे, एक छोटी वाली इलायची को खोल के डाल दे, बस इतना ही काफ़ी रहेगा। फिर इसके बाद प्याज को डाल के, और प्याज तो गला हुआ है ही, हम लोग को प्याज को सिर्फ लाइट ब्राउन करना है, क्योंकि प्याज को अगर ज़्यादा भुनेंगे तो फिर क्या होगा, प्याज पूरा एकदम पिलपिला हो जाएगा, तो उतना हम लोग को नहीं करना है। जब हम लोग का प्याज हल्का ब्राउन हो जाए तो उसके बाद हम लोग इसमें मसाले ऐड कर देंगे। अब मसालों के लिए क्या करना है, हम लोग को एक कटोरी ले लेना है, उसमें जो भी हम लोग के मसाले हैं उसमें आप ऐड कर दो और फिर उसे फूलने के लिए छोड़ दो। मैं तो जब भी कोई इस तरह का प्रीमियम या अच्छी टेस्ट वाली सब्ज़ी बनाती तो यही करती कि मसाले की प्रोसेसिंग मैं पहले ही कर देती हूँ, कि मसाला जो है वो मतलब खरा खरा नहीं लगे। सूखा मसाला आप अगर डालोगे तो जलता भी है, लेकिन ये वही अगर आप फुला के डालोगे तो नहीं जलता है। और इसमें आप लहसुन का भी पेस्ट डाल दो, टमाटर काट के डाल दो, मेरे पास टमाटर टमाटर ये था, मैंने ढूंढ के निकाला ज़बरदस्ती फ्रिज से तो फिर मुझे मिल गया, तो फिर मैंने इसमें काट के डाल दिया है टमाटर। तो अब देखिए जो जो मेरा 90% प्रोसेस है वो अब पूरा हो चुका, अब 10% ही मेरा डिसाइड करेगा कि मेरा सब्ज़ी कैसा बनेगा। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा ये स्वाद चेंजिंग पॉइंट है, इसीलिए क्योंकि सब्ज़ी का जो मेन स्वाद होता है वो मसाला भुनने पर डिपेंड करता है। अब मसाला को हम लोग तब तक भूनेंगे जब तक इससे ऑयल ना आ जाए, ठीक है। और अगर थोड़ा आपको आपका मसाला सूखा सूखा टाइप का लगे तो आप ऑयल इसमें ऐड कर दो, घी ऐड कर दो, बटर ऐड कर दो। बटर ऐड करोगे तो कसम से सब्ज़ी का जो टेस्ट आएगा ना, मतलब लोग वह खा के जाएंगे और दोबारा भी आपसे रेसिपी पूछने के लिए आएंगे। तो हम लोग को ये यही करना है कि इसमें आप ये जो जो बटर है या ऑयल है आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दिया था कि मतलब टेस्ट इसका और अच्छा है। उस दिन मेरे यहाँ ये एक एक कोई अंकल आए हुए थे तो उनको ही खिलाना था, वो थोड़ा टेस्ट के तेज आदमी थे, तो मैंने कहा चलो टेस्ट करवाते हैं उनको भी, और लिटरली उन्हें सब्ज़ी बहुत पसंद आया। आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है देखने में। तो आप बताओ मेरी सब्ज़ी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना प्यार दिखा दो यार, आई एम हंग्री फॉर योर लव। यस, थैंक यू।